जो पटरी वाले होते हैं, जो नीचे लगाते हैं, उनसे भी सामान खरीदिए क्योंकि दिवाली उनकी भी होनी चाहिए। तो ये वाला जो हमने लिया है, ये 5 बॉक्सेस लिए हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइज, अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को, सॉरी, वो इसलिए क्योंकि आज पूरा दिन मुझे थोड़ा सा काम में हो गया था, थोड़ा बाजार गई थी, इसीलिए बाजार की व्लॉगिंग मैंने इसीलिए नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, और मैं सामान खरीदती या फिर व्लॉगिंग करती, तो इसीलिए मैं आज नॉर्मली वो सब लेकर आई हूँ जो जैसे आपका हो गया, नहीं मैंने कहा लूसी मेरी व्लॉगिंग में जरूर आती है, लूसी मेरी व्लॉगिंग में आना चाहती है, लूसी कहती है आप मुझे ले लो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। देखो मैं बेटी, मैं बेटी, मैं बेटी है, ओ, मैं बेटी। देखो देखो देखो, ओ, 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 क्या हुआ, मैं बच्ची गाइस, और मैं इसके लिए कंबल लेने गई थी, तेरे को भी ले लू, ये बोलती मेरे को भी लो, देखो इधर 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 मम्मा तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी है मेरी लूसी, और मैं लूसी के लिए अभी बाजार से कंबल लेने गई थी, तो वो कह रहे थे अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी बड़े वाले कंबल सेल हो रहे हैं, तो आप छोटे वाले कंबल, आई मीन बच्चों वाला जो कंबल होता है वो मैं इसके लिए लाऊंगी, और वो कंबल अभी थोड़ी देर में आप ले जाना, तो थोड़ी देर में इसके लिए कंबल लाऊंगी, और वो जो खील बताशे लाते हैं पूजा का सामान, ऑलरेडी ये सब सामान तो मैं पहले ही ले आई थी, बट आज मेरा रह गया था थोड़ा पूजा का, बट लक्ष्मी गणेश जी अभी भी मेरे रह गए हैं, मुझे यहाँ पर जो है वो लक्ष्मी गणेश जी समझ नहीं आए थे, तो मैं अब जाऊंगी सेंटर मार्केट, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आ रहे हैं, तो उनके साथ शायद मैं चली जाऊं, बट वो भी आने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, कि मुझे करनी है धनतेरस की पूजा, और गाइस धनतेरस की पूजा भी मैं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, उन्हें नहीं भी पता कि जो पहले वाले गणेश जी होते हैं लक्ष्मी गणेश जी, उनको आज जैसे वो हमारे रहे पूरे एक साल, तो उन्हें आज विदा करने की भी पूजा होती है, और दूसरा के जो नए लक्ष्मी गणेश जी होते हैं, जो धन आने का होता है, वो प्रॉपर दिन जो होता है वो आज होता है, तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप धनतेरस की पूजा जरूर कीजिए, धनतेरस की पूजा जरूर कीजिए, और नॉर्मली पूजा होती है बस लक्ष्मी गणेश जी की, जैसे नॉर्मली हम रोज डेली करते हैं, इसमें हम लोग खरीदते हैं एक झाड़ू, जैसे कि आज मैं खरीद के लाई हूँ, तो झाड़ू की भी पूजा करते हैं, झाड़ू पे भी तिलक लगाते हैं, जो भी नया बर्तन लाते हैं उस पर भी तिलक लगाते हैं, और जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनसे कहते हैं कि आप जैसे पूरे साल रहे हो रिद्धि सिद्धि के साथ, ऐसे ही हमेशा जब अब भी आओगे तो हमेशा आप ऐसा ही हंसी खुशी रिद्धि सिद्धि धन में बरकत सब धान धाने से भरा रहे घर, और इसी की कामना करते हुए आज धनतेरस की पूजा मैं करूंगी। 8 बजे का मुहूर्त है, अभी बजे हैं 7, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका, अगर आ जाते हैं तो मुझे लाने हैं लक्ष्मी गणेश जी, और आज आज के दिन आपको लक्ष्मी गणेश जी ज़रूर परचेज करने चाहिए। बंद हो, बंद हो ना और लक्ष्मी गणेश जी जरूर खरीदने चाहिए। दूसरा, आज मैं बना रही हूँ आलू पालक, ये जरूर बोलेगी, बोले ना बोले, ये बोलेगी, नहीं है कोई नहीं है, ये कुत्ते ने पूछ ली, मैं डर रही है, पटाखे फूटे ना थोड़े बहुत तो उनसे डर रही है, शोर शराबे से ना थोड़ा जानवर जो होता है वो डर जाता है, इसीलिए अगर जोर से भी चला दोगे या कुछ पी 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 ऐसे बजा दोगे तो आ बेटा, मैं बच्ची यहाँ बैठ जा। तो अभी मेरी बज रही है कुकर की सीटी, और मैंने बनाई है मसूर की दाल, और दूसरा मेरा बन रहा है पालक, और कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई थी तो चेंज करनी थी, क्योंकि पूरी पाड़ी बनाते हैं तो इसीलिए जल गई थी, और मैंने ले ली थी लोहे की कढ़ाई, तो वो भी मैं लूँगी बट अभी नहीं लूँगी दिवाली के दौरान, इसीलिए अंदर अपने लिए बिछा, इसके लिए मैं मैट बिछा के रखती हूँ अंदर, तो उस पर ये बैठती है, बैठ क्या हुआ, अभी तो इतना ही है,
अभी देखो मैं पूजा करूंगी और आप मेरे बालों पे मत जाए। तो मैं जिस तरीके की हूँ उसी तरीके से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये जो बाल है मेरे, ये कर्ली होने लगे हैं दोबारा से। मैं मेकअप क्रिएट करती हूँ तो उसमें अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोच रही हूँ स्मूथनिंग कराने के लिए दोबारा से। एक बार चस्का लग जाता है ना स्मूथनिंग का, वाकई में सीधे बाल किससे नहीं अच्छे लगते, मैनेजेबल हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने कंघी किया है, फिर से ऐसे हो गए ये बाल। तो ये ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर ली थी, तो इसीलिए इनको कंघी करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कंघी करो वापस से वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं धनतेरस की करती हूँ पूजा, और आप देख रहे हो मैंने घर के डेकोरेशन का ब्लॉग भी शेयर किया है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके जरूर देखिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और तो अभी एक ही जगह बैठे बैठे बहुत सारी बातें हो गई, तो अभी मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा में मंदिर मैंने साफ कर लिया था, बट पूजा की तैयारी करनी, और खाना मेरा बन चुका है। अभी इसके पापा का कॉल आ गया है और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है मार्केट में के कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, सब दुकानें सजी नहीं है अच्छे से। तो दिवाली होता ही ऐसा त्योहार है जो सजावट का होता है, खुशियों का होता है। और यहाँ सेंटर मार्केट शुरू हो जाती है, मेन गेट सेंटर मार्केट का उधर है, बट हम यहाँ से जा रहे हैं। ये है गाइस सुनार मार्केट, बट ये यहाँ पर बाइक जाना अलाउ नहीं है, बंद है। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ देख सकते हो आप कपड़े खरीदे, जो कि फर्स्ट ट्राई किए थे तो वो उन्हें पसंद नहीं आए थे। फिर हमने सेकंड ट्राई किए तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे। आपको कैसे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेल आप देख सकते हो 99 और 120 रुपीज़ का सामान, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल में सामान है। तो ये वाला जो हमने लिया है, ये 5 बॉक्सेस लिए हैं जो कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, मतलब हमारे जो कारीगर हैं उनको देने के लिए। तो आप देख सकते हो पटरी वाले भी लगाते हैं, तो मैं ज़्यादातर बड़ी शॉप से जो भी है दिए वगैरह नहीं खरीदती हूँ। मैंने हर वीडियो में अपने यही चीज़ बोली है, आप जो पटरी वाले होते हैं जो नीचे लगाते हैं उनसे भी सामान खरीदिए, क्योंकि दिवाली उनकी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि मैं हमेशा ही जितने भी दिए मैंने खरीदे हैं या खरीदे हैं और भी सामान, तो वो मैंने आधा आधा किलो, कितने डब्बे लोगे? दो ही तो लेंगे। एक तो पचमेल लेनी है पूजा के लिए और एक तो, आज के लिए ले लो। हाँ दोनों पचमेल ले लो, हाँ। और विश्वकर्मा जी के लिए तुम वहीं से ले आओगे? वो तो डब्बे इतने होंगे नहीं, अपने अपने पैसों के लगाते हैं, तब तो खाली हो जाता है। हाँ ठीक है। तो ये आ गए हैं हम चौहान मिठाई वालों के। तो वहां पर खा रहे हैं गोलगप्पे और मैं जा रही हूँ गोलगप्पे खाने, वो ले लेंगे मिठाई। तो गोलगप्पे मैंने खा लिया और मिर्ची बहुत ज्यादा लग रही है। क्या कह रही हैं? गोलगप्पे पैक करा रही हूँ वाले, दही वाले पैक तो वहां देने पड़ेंगे। नहीं यहाँ दे देंगे, दे देंगे यहाँ पर, दे दिए। नहीं तुम्हारे पास ही तो है। यहाँ से थोड़ी दिखेगा, अरे मुझे दिखा दी ये कैसे गोले नहीं हो। तो हमने स्वीट्स वगैरह सब ले ली थी गोलगप्पे, और सिर्फ हमारे लक्ष्मी गणेश जी रह गए थे। बट इस बीच के दौरान हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया और हमें फटाफट से आना पड़ा, क्योंकि हमें रात के 10 बज गए थे आने में। तो मेरी पूजा का टाइम भी निकल गया था, बट मैंने पूजा ज़रूर की थी।
तो आप देख सकते हो पूजा मेरी हो गई है और ये सामान मैं ले आई हूँ। और ये जो मैं धनतेरस पे लाई थी, आई मीन धनतेरस के लिए लाई थी विशाल से, वो है। और झाड़ू लाई थी मैं, तो इन सब की पूजा मैंने कर ली है। तो पूजा मैंने कर ली है और मैं जल्दी जल्दी में बस थक गई हूँ क्योंकि पंचर हो गया था। इतने अच्छे मूड से गई थी मैं और आप देख सकते हो क्या हालत हो गई। तो मैंने मुहूर्त भी निकल गया, फटाफट से मैंने पूजा की धनतेरस की फटाफट से। और अब मैं बनाऊंगी खाना, बस मुझे रोटी बनानी है। चावल तो बन गए हैं और ये है आलू पालक और दाल भी बन गई है। तो अब मैं खाना दे देती हूँ उनको। अब हो गई है फाइनली रात और जहाँ से मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी वहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट।